ये कहानी मैंने शुरू की थी तो खत्म भी मैं ही करूंगा। तुझे तारा सिंह पहचान दे नहीं, दुश्मनों ने पूछो तारा सिंह कौन है। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे डंकी और गदर 2 के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे कि दोनों फिल्मों से किस फिल्म ने बाजी मारी। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं गदर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक गदर 2 ने पहली वाली गदर की तरह रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। इस फिल्म को दुनिया भर में लगभग 4,800 स्क्रीन के साथ 11 अगस्त 2023 में रिलीज किया गया था। गदर 2 का क्लैश पंकज त्रिपाठी की फिल्म ओ माय गॉड 2 के साथ हुआ था। उसके बावजूद फिल्म ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग की थी। इस फिल्म ने पहले दिन 40 करोड़ 10 लाख का कलेक्शन किया था तो वर्ल्ड वाइड में 54 करोड़ 20 लाख की ओपनिंग की थी। इस फिल्म ने इंडिया में 524 करोड़ 10 लाख का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन किया था तो 623 करोड़ का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 65 करोड़ का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 688 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 78 करोड़ था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की तो इस फिल्म को 5.3 रेटिंग मिले। दोस्तों अब जानते हैं डंकी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों किंग खान की फिल्म डंकी रिलीज हो चुकी है। सुबह से ही फिल्म के लिए जबरदस्त भीड़ भी दिख रही है। इस फिल्म के रिव्यूज भी पॉजिटिव आए हैं जिसके चलते फिल्म की स्पॉट बुकिंग भी अच्छी हो रही है। इस साल ऑलरेडी किंग खान की दो फिल्में रिलीज हो चुकी है और दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी। पठान और जवान दोनों ने हिंदी में 500 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन किया था तो वर्ल्ड वाइड में 1000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था और अब उनकी डंकी भी कुछ ऐसे ही रिकॉर्ड बनाने को तैयार है। दोस्तों अगर बात करें स्क्रीन काउंट की तो इस फिल्म को इंडिया में लगभग 4,200 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया तो ओवरसीज में लगभग 2,000 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया, यानी इस फिल्म को दुनिया भर में लगभग 6,200 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों अगर बात करें ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट की तो इस फिल्म की मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी लगभग 27% दिखी है तो आफ्टरनून शोज की ऑक्यूपेंसी 40% नजर आई है। इवनिंग शोज की ऑक्यूपेंसी लगभग 60% दिख रही है और नाइट शोज की ऑक्यूपेंसी लगभग 75% से भी ज्यादा दिख रही है। तो दोस्तों ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के हिसाब से ये फिल्म अपने पहले दिन इंडिया में 35 से 38 करोड़ के रेंज में नेट कलेक्शन करने वाली है। फिल्म के रिव्यूज अच्छे आए हैं तो फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ भी अच्छा बन रहा है तो फिल्म दूसरे दिन में अच्छा ग्रोथ भी करेगी। इस फिल्म के कलेक्शन में शनिवार और रविवार के दिन में और भी बड़ा ग्रोथ दिखने को मिलेगा। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 128 करोड़ है और ये फिल्म अपना बजट इसी वीकेंड में रिकवर करके प्रॉफिट में आ जाएगी। अगर गदर 2 और डंकी के पहले दिन के कलेक्शन को कंपेयर करें तो सनी पाजी की गदर 2 बाजी मारते दिख रही है। बाकी फाइनल कलेक्शन आने के बाद पता चलेगा कि डंकी ने पहले दिन के कलेक्शन में गदर 2 को पछाड़ा या नहीं। तो दोस्तों अगर आपने डंकी फिल्म देख लिया तो आपको फिल्म कैसी लगी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं देखा तो क्या आप इस फिल्म को देखने के लिए इंटरेस्टेड हो या नहीं ये भी कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।